दिल्ली के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अबकारी मामले पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि बजट फाइनल कर रहे हैं। फिलहाल मैं उनके घर पे मौजूद हूं और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं सौरभ भारद्वाज साथ में। अभी मनीष जी पूछताछ के लिए नहीं गए, तो कर क्या रहे हैं अभी? देखिए, आप सब समझते हैं कि फरवरी के अंत में बजट जो है वो फाइनल हो रहा होता है, तो वित्त मंत्री हैं मनीष जी, सारी मीटिंग्स जो है अभी तक हुई हैं और अब जो है आगे की मीटिंग्स, अभी भी जो है एक व्यापारियों का समूह जो है मनीष सिसोदिया जी से मिल रहा है कि किस तरीके से बजट के अंदर उनके व्यापार से के लिए सरकार कुछ कर सकती है, तो बजट की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। आपको क्यों लग रहा था डिले हो जाएगा और आप कह रहे थे G20 पर प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे, थोड़ा बताइए। देखिए, मनीष जी ने सारी प्रिलिमिनरी मीटिंग्स की हैं, वो वित्त मंत्री हैं, अब बजट जो है बेसिकली फाइनलाइज हो रहा है। ऐसे में अगर वित्त मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं तो सारा का सारा मामला जो है अधर में लटक जाएगा, और जो बजट है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जो G20 है वो दिल्ली जो है उसकी मेज़बानी करेगा। ऐसे में G20 से संबंधित कई सारे बजट के प्रावधान आने हैं। अगर बजट नहीं आता तो जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर हैं, स्कूलों के अंदर टीचर हैं, MCD के सफाई कर्मचारी हैं, इन सब की तनख्वाहें भी जो हैं वो सब जो है वो रुक सकती हैं। तो MCD का बजट, दिल्ली का बजट और सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो G20 के हों या वो हों, वो सब जो है अधर में लटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा समय मांगा है। हम जानते हैं कि अगर केंद्र ने इस बात को ठान लिया है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना है तो करेंगे। देखिए, उनके पास पूरी ताकत है, उनके पास आज सारी एजेंसी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें गिरफ्तार ना करें, मनीष जी तैयार हैं, एक तो हफ्ता दे दें, बजट बन जाए और वो तैयार। जो मैं आपकी बात समझा, भी कह रहे हैं कि अगर बजट का काम रुकता है तो ना सिर्फ दिल्ली का नुकसान है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि पर फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती की बात है, क्योंकि आप देखिए LG साहब भी जो घूमते हैं, घूमने से काम नहीं होता है, बजट सरकार देती है। अगर किसी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे या किसी नाले पे जाके LG साहब मुआयना करते हैं तो उसका बजट ये दिल्ली की विधानसभा देती है, और अगर बजट ही नहीं होगा तो आप कहाँ घूमेंगे, किस चीज़ का मुआयना करेंगे? तो बजट का प्रावधान पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बिना पूरा क्योस हो जाएगा। सर जी, आखिरी सवाल, आज भर के लिए तो मोहलत मिल गई है, अब कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि क्या समय दिया गया है कुछ? देखिए, जो अधिकारी गए थे उनको बोला है कि उन्होंने एग्जेम्पशन मान ली है और अगले हफ्ते जो है उनको दोबारा समन देंगे। तब तक बजट की कार्रवाई पूरी हो जाएगी? मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा गति से जो है इस पर काम करेंगे। देखिए, बजट की बात की थी और व्यापारियों के साथ में मनीष सिसोदिया मीटिंग भी कर रहे हैं, साफ तौर पर इस बात को कह रही है आम आदमी पार्टी कि अगर बजट डिले होता है ना सिर्फ दिल्ली के कामों का नुकसान होगा बल्कि जिस तरीके से दिल्ली में G20 की मेजबानी होनी है तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात का फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि बजट डिले ना हो, इसलिए मनीष सिसोदिया आज पूछताछ के लिए नहीं गए। दूसरी तरफ जो है CBI ने भी उनकी आज के एजम्पशन को मान लिया है, अब नई तारीख जो है वो एक हफ्ते बाद की शायद संभावना जताई जा रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अपनी वीडियो से वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, विनय भारद्वाज, दिल्ली।